दोस्तों, अभी तक अगर आपने मामल बोनसाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये घंटी का बटन दबाएं ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूं आपको मैसेज मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका मामल बोनसाई फिर से स्वागत करता हूं। जनेंद्र कुमार कहते हैं, भाई प्लांट की ग्रोथ रुकने का क्या कारण है? देखिए, प्लांट की ग्रोथ रुकने के काफी कारण हो सकते हैं। न्यूट्रिएंट्स की कमी हो सकती है, धूप अच्छे से नहीं मिलती है तो भी ये कारण हो सकता है। प्लांट को अगर पानी नहीं दोगे तो भी उसकी प्लांट जो रुक जाएगी, यानी कि उसको अगर अच्छे से फूड नहीं मिलेगा, अच्छे से सनलाइट नहीं मिलेगी। और एक कारण होता है, जैसे कि अब तेज सर्दी जब स्टार्ट हुई थी तो प्लांटों ने अपनी ग्रोथ जो है वो रोक दी थी, तो ऐसे टाइम पे भी जो प्लांट अपनी ग्रोथ रोक देते हैं। अब बात ये कहते हैं, भाई मैंने घर में नींबू का प्लांट लगाया, 8 साल हो गए, ग्रोथ नहीं हो रही, ना नींबू निकल रहे हैं। मैंने जब उसको खरीदा था तब उसमें नींबू आ रहे थे। देखिए, इसका मतलब आप अपने प्लांट को जो न्यूट्रिएंट्स है वो अच्छे से नहीं मिल रहा, तो आप अपने प्लांट को जो एनपीके फर्टिलाइजर है वो दें, साथ में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो भी दें। सहजा जी कहते हैं, मेरा डहलिया का प्लांट जो है वो बढ़ रहा है, काफ़ी बढ़ गया, लेकिन फ्लोरिंग अभी तक नहीं हुई। वो छोटा सा प्लांट लेकर आया था नर्सरी से। देखिए, सीड्स की वैरायटी होती है, जैसे कि आप जो प्लांट लेकर आए वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा, ये भी कारण हो सकता है। दूसरा, अगर आपने उसको अच्छे से खाद और धूप नहीं दी होगी तो ये भी कारण हो सकता है। मैंने जो सीड से लगाया था उस पर जो बर्ड्स है वो आ गए हैं, मैं आपको अपडेट वीडियो में दिखा दूंगा। मोहम्मद जी कहते हैं, क्या बारिश में ग्राफ्टिंग कर सकते हैं? देखिए, ग्राफ्टिंग बारिश में नहीं, बारिश के बाद का जो सीजन है उसमें कर सकते हैं। बारिश में क्या, बर्ड्स के अंदर पानी चल जाता है जिससे जो फंगस है उसकी वजह से खराब हो जाता है। कश्यप भी कहते हैं, हम अपने गार्डन में ग्रास कैसे उगाए हैं उस पर एक वीडियो बनाइए। देखिए, मैं कोशिश करूँगा कि मुझे ग्रास की या तो सीड्स मिल जाए, ग्रास मिल जाए, ताकि हम उसके ऊपर एक वीडियो बना दें। अमित जी कहते हैं, सर मेरे जो एप्पल बेर है उसकी सारी पत्तियाँ कर्ल हो गई, क्या करूँ? देखिए, एप्पल बेर में मोस्टली प्रॉब्लम आती है और इसके लिए आपको इंसेक्टसाइड जो दवा है वो यूज़ करनी पड़ेगी, जिसके अंदर इंसेक्ट लगे होंगे। बाकी आप प्लांट की फोटो दिखा देना। कैसा भी कहते हैं, मेरे तुलसी का प्लांट सूख गया है, क्या हम उसको फिर से ग्रीन कर सकते हैं? देखिए, अगर वो कंप्लीट ड्राई हो चुका है तो ग्रीन नहीं होगा, अगर उसकी जो स्टेम है वो अभी ग्रीन है तो दोबारा से वो ग्रो हो सकता है। रुचिता जी कहते हैं, मेरे जो पपीता है उसमें फ्रूट जो है वो बहुत छोटे आते हैं, उसका साइज कैसे बढ़ाएं? देखिए, इसका एक कारण हो सकता है, आपका जो पपीता है उसकी एक तो वैरायटी अच्छी नहीं होगी, जैसे कि जो पोलिनेशन प्रक्रिया वो अच्छे से नहीं होती, तो जो सीड्स है वो ऐसे रह जाते हैं जिनमें जो फ्रूटिंग है वो अच्छे से नहीं हो पाती। बाकी आप प्लांट की केयर के लिए आप उसमें अच्छे से वाटरिंग कीजिए, पपीता को अच्छे से वाटरिंग करेंगे तो और अच्छे से ग्रो करेगा, पपीता भी आपका बड़ा होगा। संजय जी कहते हैं, टमाटर के जो फ्लोर है वो गिर रहे हैं, टमाटर क्यों नहीं बन रहा? देखिए, इसके कुछ कारण, उसके मैं काफ़ी वीडियो में बता भी चुका हूँ, मोस्टली इसमें इंसेक्ट के कारण ये गिर जाते हैं, पोलिनेशन के कारण गिर जाते हैं, जब आप फ्लोरिंग टाइम पे वाटरिंग ज़्यादा करते हैं तो भी गिर जाते हैं, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। रोहन जी कहते हैं, विजय जी मैंने चिल्ली का जो प्लांट है मार्केट से खरीदा था, उसके पत्ते जो है वो सूख गए थे, मैंने पुर्निंग कर दिया, क्या वो ग्रो हो पाएगा? हाँ जी, चिल्ली का प्लांट अगर आपने उसके पत्ते रिमूव कर दिए तो ग्रो हो सकते हैं। रुदिता जी कहते हैं, क्या गर्मियों में जो फर्टिलाइजर है वो कम देना चाहिए? देखिए, जब तेज़ गर्मियाँ आ जाए, तेज़ हीट वाली, उस टाइम पे आप फर्टिलाइजर ना दें। बाकी गर्मियों में जैसे कि फरवरी मार्च के टाइम पे आप अच्छे से उसमें जो फर्टिलाइजर दे सकते हैं, अच्छे से का मतलब ये नहीं कि आप ओवरडोज दें, यानी कि जो जितना देना चाहिए सिर्फ उतना ही दें। सुदेश जी कहते हैं, सर रोज प्लांट को खाद कितने दिन बाद देना चाहिए? देखिए, अगर आपने पोर्ट में ही लगा रखा है तो उसको 15 से 20 दिन बाद आप खाद दे सकते हैं। नजरन शेख कहते हैं कि मैंने कल जो पोर्ट है उसमें सीट लगाया था, क्या उसको कवर करना है? देखिए, अगर आपके वहाँ पे गर्मियाँ स्टार्ट हो गई तो जरूरत नहीं है, अगर गर्मियाँ स्टार्ट नहीं हुई तो आप उसको कवर कर सकते हैं। अजीत कुमार कहते हैं, मेरा रोज प्लांट पोर्ट में और वो अचानक से जो मुरझा रहा है बारिश होने के बाद। देखिए, सडनली मुरझाने का कारण एक ही होता है, रूट्स के अंदर प्रॉब्लम, या तो रूट्स के अंदर दीमक लगी होगी या रूट्स जो है वो सड़ गई होगी, तो आप उसको रिपोर्ट करके चेक कर सकते हैं अगर वो ज़्यादा प्रॉब्लम में है तो। रुद्र कहते हैं, मेरे गुलाब के जो ऊपर के पत्ते हैं वो सूखते जा रहे हैं। देखिए, आपके उस प्लांट पे आप देखिए स्केल इंसेक्ट तो नहीं है, कि उस स्केल इंसेक्ट जो होता है वो रस चूसना स्टार्ट कर देता है और धीरे धीरे पूरे प्लांट में फैल जाता है। रूपक जी कहते हैं, मेरे मैरीगोल्ड की सीडलिंग नहीं निकल रही, 12 दिन हो गए बांग्लादेश। देखिए, अगर अच्छी धूप उसको मिलेगी तो निकल जाएगा, बाकी आपको अभी सिर्फ 10 या 12 दिन हुए तो आप थोड़ा वेट कर सकते हैं। चैनल बड़ी कहते हैं, सर क्या ताज़ा सब्जी के बीज भी लगा सकते हैं? देखिए, ताज़ा सब्जी के बीज अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन वो सब्जी जो है पकी हुई होनी चाहिए। नागा जी कहते हैं, नीम ऑयल केक कैसे बनाए? देखिए, नीम ऑयल केक जो निमोलिया जो होती है उसका जब तेल निकाल लिया जाता है, जो हिस्सा बचता है उसको नीम केक बोलते हैं। किरण जी कहते हैं, सर मैं टेरेस पर जो सब्जियां वो लगाना चाहती हूँ, जगह कम है तो क्या करना चाहिए मुझे? देखिए, आप पोर्ट के अंदर ग्रो कर सकते हैं, कुछ ऐसी सब्जियां जो पोर्ट के अंदर ग्रो हो जाए तो वो आप लगा सकते हैं। गर्मियों की सब्जियां, सर्दियों में पालक, धनिया, मेथी, इस तरह की लगा सकते हैं। अब आप गर्मियों के लिए पुदीना जो है वो लगा सकते हैं, प्याज अगर आपके पास है तो वो लगा सकते हैं।
धीरज जी कहते हैं जो बीन्स है इनको कैसे ग्रो करना, देखिए बारिश के सीजन में आप इनके सीड्स लगा सकते हैं, ये ग्रो हो जाएंगे डेली। कमरन जी कहते हैं विजय जी गुलाब के लिए घरेलू खाद कैसे बनाएं, देखिए घरेलू खाद में सबसे बेस्ट ये है कि आप गोबर खाद डाल दें और उसके अंदर जो फंगसाइड पाउडर है वो ऐड कर दें, अगर नीम खली है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। रेशम जी कहते हैं सर मेरे जेड प्लांट की एक छोटी सी ब्रांच टूट गई थी, मैंने उसको मिट्टी में लगा दिया, क्या वो ग्रो हो जाएगी? हाँ जी, जेड का जो प्लांट है उसकी कटिंग बहुत इजीली ग्रो हो जाती है। डेस्टोर कहते हैं कैसा क्या ग्राफ्टेड एरिया से भी निकलता है, हाँ जी जो ग्राफ्टेड एरिया है उसके जस्ट नीचे से जो ग्रो होगा वो होता है, ग्राफ्टेड एरिया या ग्राफ्टेड एरिया से ऊपर से जो निकलता है वो शक्कर नहीं होगा। गुनगुन जी कहते हैं क्या संतरे के बीज लगा सकते हैं, जी आप इस टाइम पे लगा सकते हैं, लगा दीजिए, मैंने भी लगाया था, जो अंकुरित भी हो गया है। सोनू कुमार कहते हैं कोई बढ़िया चीज बताइए जिससे नींबू का फूल ना गिरे, देखिए नींबू का फूल ना गिरने के लिए आप जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोरोन है वो उसके अंदर यूज कीजिए। सुमना ने कहते हैं भाई सीड लगे पॉट्स दो दिन में कहाँ रखें, धूप में रखें या छांव में? देखिए अगर आपके पास ग्रीन नेट है तो उसके नीचे रख दीजिए, आप अगर धूप में रखते हैं तो उसको पानी का ध्यान रखिए कि पानी उसमें जो सोइल है वो बिल्कुल ड्राई ना हो, या आप उसको शेमी शेड में भी रख सकते हैं। हुसैन जी कहते हैं फैब या मार्ट में बोनसाई कर सकते हैं क्या, हाँ जी कर सकते हैं। ओके दोस्तों आज के सवालों का जवाब मैंने दे दिए, कल नए सवालों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।